शिवपुर जिला चिकित्सालय में सांसद नेत्र शिविर के माध्यम से 2 सैकड़ से अधिक नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद नेत्र रोगियों के बीच पहुंचकर शिवपुर SGM लोकेंद्र सरल ने फीडबैक लिया। वहीं मरीजों के ठहरने खाने पीने से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मोतियाबिंद ऑपरेशन कर चुके नेत्र रोगियों सहित उनके अटेंडरों से चर्चा की, जहां समस्त व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई। वहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके नेत्र रोगियों ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर करते हुए क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं कहा कि सांसद जी द्वारा आयोजित नेत्र शिविर के माध्यम से हमें फिर से दुनिया देखने का मौका मिला है। सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने क्षेत्र में नेत्र शिविर का आयोजन कर गरीबों की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उन्हें फिर से दुनिया देखने का अवसर प्रदान किया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। सर, नेत्र रोगियों से आप मिले और आपने व्यवस्थाएं देखी, क्या कुछ लगा और क्या शिकायतें मिली और क्या व्यवस्थाएं देखी आपने सर? आज सबसे पहले जो हमारे यहाँ 3 दिन का नेत्र रोग शिविर कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज हॉस्पिटल में लगभग अभी तक 200 ऑपरेशन हो चुके हैं। उन सभी ऑपरेशन हुए लोगों को हम लोगों ने सुरक्षित स्थान हमारे ऑडिटोरियम में पहले से चिन्हित स्थान पर रुका दिया है और वो आकर रुकना चालू करने लगे हैं और हमारे जो पेशेंट तुरंत 1 घंटे तक हमारे हॉस्पिटल में रुकते हैं उनके। और जो हमारे पास दूसरे जो OPD होके बीरपुर कराल बड़ौदा से लोग आ रहे हैं, उनको हम नगर पालिका मैरिज गार्डन में रुका रहे हैं, उनको और उनके अटेंडेंस के साथ। अभी ऑपरेशन जो होने वाले मरीज हैं उनको हम लोग और रात में भी, चूँकि अभी संख्या 200 और हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ऑपरेशन आज हम कर देंगे, उनको हम कृष्णा मैरिज गार्डन में रुकाएँ। कैसी व्यवस्था है सर, क्या मरीजों को कैसा लग रहा है आपसे बातचीत करें? मरीजों से हम कांटेक्ट में भी हैं, हम भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हमारी IFFCO की टीम, हमारे जो 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 भी सहयोगी टीम लगी है, स्काउट गाइड है, दूसरे NGOs भी लगे हैं, वो लोग भी हम लोगों को बता रहे हैं। मरीजों से भी उनका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और लगभग सभी हमको संतुष्ट बता रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम जो हम लोगों ने जिस माननीय मंत्री जी का जिस विचार से ही शुरू हुआ था, वो अभी तक हम लोग उस पर कार्यक्रम पर ही आगे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल भी उतना ही सफल ये कार्यक्रम आयोजित होगा।